तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से अगर आप जातीय आवासीय आय का जो है ऑनलाइन यहां से अप्लाई किए हैं बनाने के लिए आरटीपीएस साइट से, और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस साइट पे आ सकते हैं। यहां से देखिए, आप लोगों ने सामान्य प्रशासन विभाग के यहाँ से देखिए लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाओं, इसके नीचे आवासीय जाति और आय का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तीनों का। तो इनमें से अगर आप किसी चीज़ का अप्लाई किए हैं तो उसका स्टेटस कैसे चेक करना है कि हमारा जो है जाति आवासीय आय वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो ये कैसे चेक करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम ये जानेंगे किस प्रकार से अगर हम ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो उसको हम बिना लॉगिन किए हुए ही चेक कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है आरटीपीएस जहाँ से अप्लाई किए हैं उसी पे, या फिर आप किसी और से करवाए हुए हैं अप्लाई और रिसीविंग आपके पास है तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से चेक अपना खुद से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो मैं आपको मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाना है इस साइट पे, और यहाँ पे आएगा तो थ्री डॉट का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, थ्री डॉट यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दिखेगा, और यहाँ पे सेवाओं संबंधित जानकारी उसके नीचे आपको आ जाना है। तो देखिए तीसरे वाले में आ जाना आपको नागरिक अनुभाग में, तो यहाँ से देखिए खुद का पंजीकरण, पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपने बिना लॉगिन किए हुए हमको चेक करना है। तो आवेदन की स्थिति देखें तो यहाँ नीचे वाले में हमको इस पर क्लिक कर देना है, आवेदन की स्थिति देखना है हमें कि जो मेरा आवेदन है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए इसको ओपन होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ, उससे आप फॉलो करते हैं तो आपका भी चेक हो जाएगा कि आपका जो जातीय आवासीय आय है वो बना है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस आता है, मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से आइए देखते हैं, तो देखिए यहाँ से सेलेक्ट करना है सेलेक्ट एन ऑप्शन टू ट्रैक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेकेंड वाले में थ्रू OTP एप्लीकेशन डिटेल्स है, तो यहाँ से हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर की मदद से यहाँ से हम कर सकते हैं इसको ट्रैक, तो हम उसको कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है जो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा इस बॉक्स में। तो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब भी आप रिसीविंग लेते हैं या फिर अपने खुद से डाउनलोड किए हैं तो रिसीविंग के ऊपर ही सबसे ऊपर यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो है यहाँ पर है, देखिए राजस्व अधिकारी के नीचे यहाँ पे दिख जाएगा आपको आवेदन संख्या, आवेदन संख्या दिख रहा है उसके सामने सामने यहाँ पे है, तो हम इसको ले लेते हैं, वो इसको हम वहाँ पे डालेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं पहले। तो गाइज हमने यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर जो है यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ से एक चीज़ और सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन सबमिशन डेट और यहाँ से एप्लीकेशन डिलीवरी डेट, तो आपको इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से जिस दिन हम ऑर्डर किए अप्लाई किए वो डेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो हम अप्लाई किए वो डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर में आ जाएगा यहाँ पे, तो अप्लाई किस डेट को किए थे तो वो हम यहाँ से डाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इस बॉक्स वाले में क्लिक करते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, तो कैप्चा को हम फिल कर लेते हैं, तो कैप्चा यहाँ पर डाल देंगे, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर मैंने कैप्चा डाल दिया। उसके बाद सबमिट और रीसेट, तो हम सबमिट पे क्लिक किए, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये रिफ्रेश हो रहा है तो ओपन होता है पेज, तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या आता है ऑप्शन यहाँ पे। तो देखिए गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं सेकेंड ऑप्शन पे, तो यहाँ पे लिख पूछ रहा है डू यू वांट टू व्यू या डाउनलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, तो हमको अभी चेक करना है, हमको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है, तो हम पहले नो पे क्लिक कर देंगे, हमको अभी डाउनलोड नहीं करा बस चेक करना है, तो हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से हमको ये लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, आ जाएगा लेके, तो इसको ओपन होते हैं। उसके बाद चेक दिखाएगा कि आपका जो रिसीविंग है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है, आपका जो डॉक्यूमेंट है बन गया या फिर रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ सब कुछ लिख के दिखा देगा। तो ये देखिएगा जी यहाँ पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन ओपन हो चुका है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा, आपका जो लास्ट डेट कब देगा ये भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑप्शन हुआ है, तो देखिए सबसे पहला वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा वाला में फॉरवर्ड हो चुका है, प्रिंटिंग के लिए हमारा जो है फॉरवर्ड हो चुका है। उसके बाद तीसरा वाला अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का और व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ से डाउनलोड और व्यू कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, हम जाति आवासीय या फिर आए कोई भी चीज़ का अप्लाई किए हैं तो वो भी यहाँ से
तीनों में से किसी चीज़ का अप्लाई किए तो ऐसे ही सेम चीज़ सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं कैसे अप्लाई करना है तो उसका मैं आपको इंड स्क्रीन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा वीडियो, तो इसे देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।